दिवस पर एक ऐसी चर्चा करी जाए जिससे राजस्थान के हर तरह के भौगोलिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करके राजस्थान को जो आज जनता कर्फ्यू चल रहा है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी जरिए से उनको वापस राजस्थान की उस परंपराओं के बारे में, उन संस्कृति के बारे में, उन जाति जनजातियों के बारे में चर्चा करी जाए, तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए और मेरे लिए हो नहीं सकता। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ उपस्थित हुए, आपने समय निकाला। मैं सबसे पहले आपसे चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर राजस्थान के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप अपना बताएं तो मेहरबानी। जी, मैं बिल्कुल राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में पैदा हुआ हूँ। शेखावाटी में रतनगढ़ एक कस्बा है और इसके चारों तरफ मैंने बचपन में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले देखे हैं। मैंने वहां पे ऊंटों के पदचाप देखे हैं, मैंने रेत के बाउंडर देखे हैं, उसमें मेरा बालपन गुजरा है। उसके बाद मैंने वहां तालीम ली और उसके बाद दूसरे इलाकों में गया और पिछले 2-3 दशक से मैं जयपुर में हूँ और पत्रकारिता करता रहा हूँ। मैंने बीच में कुछ समय एक यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर पढ़ाया भी है। राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों को मैं देखता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान भी नहीं है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, भांति भांति की भूगोल की कैफियत आपको यहाँ मिलती है। तो मैं उस धरती से वास्ता रखता हूँ और राजस्थान का शहरी या एक नागरिक होने के नाते मेरे मन में अभिमान है कि इस मुल्क की इस धरती को देखने संसार जहां से लोग आते हैं और आकर अभिभूत होते हैं और उसको भूलते नहीं है। जब हम बचपन से अपने आप को बड़ा होते हुए देखते हैं तो किस्से, कहानियां, तीज त्योहार, मेले, उत्सव, मिलन, पंचायत, ये सब हम देखते रहे, उसी में हमारी परवरिश हुई है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वाह सर, आपसे थोड़े शब्दों में आपने पूरा राजस्थान को बयां कर दिया, तो मैं चाहता हूँ राजस्थान जब कोई देखा जाए तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप भी शेखावाटी से ताल्लुक रखते हैं, तो जब हम सबसे पहले जो बात करते हैं राजस्थान जो अपने आतिथ्य के लिए सब, तो आपके हिसाब से पर्यटन ने राजस्थान को जो पिछले 30 सालों में जो गति दी है उसका आपका आकलन एक पत्रकार के होते हुए, और आप विदेश देश उधर घूमे, तो आपके हिसाब से पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ने किया और क्या ऐसी चीजें हैं जो और आगे हो सकती है जिससे राजस्थान में आने वाला जो सीजन है वो पर्यटन से सार्थक हो, इसके बारे में आपकी क्या पिछले 10 साल 20 साल जब से आप पर्यटन देख रहे हैं जब से, और आने वाले सालों में अन्य देशों की तुलना में हमको कहाँ पर और कार्य करना है उसके बारे में कुछ बताएं तो बहुत अच्छा। जैसे संसार की महफिल में भारत है, वैसे भारत की अंजुमन में राजस्थान है। जो विविधताएं और जो रंग भारत में है उसमें बड़ा योगदान राजस्थान का है। राजस्थान सूबे की जब बात करते हैं तो राजस्थान न केवल इतिहास में दर्ज है बल्कि इसने इतिहास बनाया भी है। अगर कोई इंसान दुनिया के किसी हिस्से से राजस्थान में कदम रखता है तो यहाँ रंग देखकर वो आभा मंडित हो जाता है, क्योंकि इतने रंग कहीं नहीं होते। हमारा 60% हिस्सा यद्यपि रेगिस्तान है, बियाबान रेगिस्तान है, मरुस्थल है, लेकिन हमने उस कमी को अपने रंगों से पूरा किया। इसलिए राजस्थान का जिक्र आता है तो हम ये कहते हैं सतरंगी राजस्थान, सुरंगा राजस्थान। इतने चटक रंग किसी इलाके में आपको देखने को नहीं मिले। जब सैलानी आता है तब इतना ज्यादा वो परिचित नहीं होता है। जब यहाँ की इमारतें देखता है, वास्तुकला देखता है, फन्ने तामीर को देखता है, यहाँ के लिबास को देखता है, खानपान को देखता है, रीति रिवाज को देखता है, लोगों के व्यवहार को देखता है, तो उसको एक अलग दुनिया मिलती है और उसके बाद वो कभी भी अपने स्मृति पटल से राजस्थान का नाम मिटा नहीं पाता है। राजस्थान ने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन कमियों को उसने अपनी एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। आपको चप्पे चप्पे में किले महल मिलेंगे, हवेलियां मिलेगी, बावड़ियां मिलेगी, कुएं मिलेंगे। हमने पीने के पानी के जो साधन है उसको भी हमने कला के रूप में ढाला है। आप किसी पुराने कुएं को भी देखेंगे तो बहुत कलात्मक होता है। आप तालाब को देखेंगे उसमें आपको यहाँ के हुनर की वानगी मिलती है। और अगर मैं ये भी जोड़ूं कि शमशान भी यहाँ पे, आप जब शाही दौर के शमशान देखते हो तो वो भी आपको एक सांसारिक तजुर्बा भी देती है और अध्यात्म की ओर भी ले जाती है। तो कोई चीज, कोई नुक्कड़, कोई कोना ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ खसूसियत न हो। तो पिछले 30-40 साल में हमारे पास जो महल थे, किले थे, जो स्मारक थे, उनको उनकी हमने नुमाइश की, उनको हमने होटलों में डाला। मैं समझता हूँ हेरिटेज होटल
कि थॉट में संसार में राजस्थान का नाम सिरे फहरिस्त रहेगा। तो जब लोग आते हैं तो उनको लगता है कि अतीत का वैभव पुराना वापस जिंदा हो गया है। वो जब किसी महल में किले में दाखिल होता है तो उसे लगता है कि वो पुराना दौर फिर उसके सामने हाजिर है। तो इंसान उसको भूल नहीं सकता है। आप जब भी रेगिस्तान से गुजरते हैं आपको लगता है जैसे अभी अभी घोड़े गुजरे हैं किसी युद्धरत सेना के, अभी अभी किसी राजकुमार की यहाँ से यात्रा निकली है, आपको घोड़े की टाप का एक स्पंदन सुनाई देता है। तो राजस्थान में जब आप गुजरते हो तो हर बार कुछ नया मिलता है। बीच में किसी एडवर्टाइजर ने एक स्लोगन भी दिया था कि जाने क्या दिख जाए, उसमें एक बात सही है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में जाइए आपको कुछ नायाब, कुछ अनूठा, कुछ अद्भुत, कुछ नया दिख जाता है जो आपका मन मोह लेता है। ऐसा खूबसूरत रेगिस्तान कहीं नहीं है। आपको पश्चिमी तरह के शिल्प तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इस शिल्प का कोई मुकाबला करने वाला संसार में कोई भी आर्किटेक्ट में समझता हूँ शायद ही हो। जैसे आप जैसलमेर के किले को देखते हो, उसको हम गोल्डन फोर्ट कहते हैं, सोनार किला, बंगाली उस पे मर मिटते हैं इस नाम पे। तो उसका जो बनावट है वो पारिस्थिति के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से इतनी अच्छी है कि गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। जब इंसान अपनी कृति को खुद देखता है कि किस तरह बनाया होगा उन जमाने में, तो इंसान की काबिलियत पे हमें फक्र होने लगता है। इस तरह का राजस्थान है और हमेशा और कुछ किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अनछुए इलाके हैं जिनका अभी तक हम दर्शन नहीं कर पाए हैं, जैसे शाहबाद का शहरी आदिवासी इलाका है, जैसे मेवाड़ में आदिवासियों का भीतरी जनजीवन है, उसके हम दर्शन नहीं कर पाए हैं। रेगिस्तान में कुछ ऐसे किले हैं जहां तक अभी हमारे पांव नहीं पहुंचे हैं, वहां हम पहुंच सकते हैं और इसको और संसार को बता सकते हैं। हमारा लोक संगीत है, हमारी गायकी है, वो हम सब संसार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा लगा आपने पैटर्न को लेकर जो चीजें अंगित की। मेरे को लगता है कि इस बारी में ऐसी है जो जो एक बार आ जाता है वो इतना अभी हुआ है कि वापस आने के लिए बार बार लालायित रहता है। अब इसी इससे कुछ दूर चल के, कुछ अलग चल के मैं बात करना चाहता हूँ। राजस्थान अपने आप में एक राजनीति के हिसाब से भारत में एक बहुत ही चर्चित राज्य रहा है और आपने पत्रकारिता के दौरान बहुत सारी पत्रकार होने का बहुत सारे लोगों से मिलना बोलना हुआ होगा। कौन सी शख्सियतें हैं जिनको लगता है कि राजनीति में उन्होंने जो जो अपना दम दिखाया वो पूरे इतिहास में भारत की जब से स्वतंत्रता मिली है जब से लेकर आगे तक और आज तक भी उनको लोग याद करते हैं और आप भी उनसे मुलाकात हुई हो, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो तो वो सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए वैसे तो सभी कद्दावर नेता राजस्थान से रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया हो, उसके पहले भी जो हमारे हीरालाल शास्त्री हो जिन्होंने तालीम पे बहुत जोर दिया था, और आजादी के बाद भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत, शिव सेन माथुर, जगन्नाथ पाड़िया, ये इस तरह के व्यक्तित्व थे जिन्होंने राजस्थान और राजस्थान के बाहर अपनी छाप छोड़ी, और हाल के वर्षों में वसुंधरा राजे जी रही हैं। इन सब में से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। हरदेव जोशी जी जिनका कद बहुत विराट था, जो हमारी जंग आजादी के सिपाही भी थे, वो पेशे से पत्रकार भी रहे थे, उन्होंने राजस्थान के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उस जमाने में हम एक फासला रखते थे, एक अदब के साथ में उनसे मिलते थे और उनकी पूरे राज्य भर में अपील थी। फिर भैरव सिंह जी शेखावत आए, उनसे हमारी मुलाकात होती रही है। वो राजस्थान को एक परिवार की तरह मानते थे, वो हमारे जो राजस्थान की रीति रिवाज है, लोक व्यवहार है, उनका उनके अंदर आपको दर्शन होते हुए दिखता था। मसलन कैसे रिश्ते होते हैं पक्ष विपक्ष में, जब शिवचरण माथुर जी थे और वो विदेश गए हुए थे, उनके घर में कोई विपत्ति आ गई थी, तो भैरव सिंह शेखावत जाके खड़े हो गए और उनपे कोई इस तरह ढांढस दिया जैसे घर के सदस्य हों। ऐसा प्यार आज पक्ष विपक्ष में देखने को नहीं मिलता है। भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे नेता रहे हैं जो अगर सामाजिक बुराई तो उसके सामने खड़े हो गए, जैसे सती का मुद्दा था उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने समाज से बाहर जाके भी खड़े होकर कहा कि नहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमको विराम देना चाहिए। हालांकि वो एक अलोकप्रिय कदम था, उससे उनकी पॉपुलरिटी पे उस समय क्षणिक फर्क भी पड़ा, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी रहे। वो खुद एक सामंती परिवार से आते थे लेकिन उन्होंने जागीरदारी प्रथा उन्मूलन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा, और वो जनसंघ पार्टी में थे जिसका बहुत ज्यादा झुकाव और लगाव राजाओं से रहा है। वो इस तरह के नेता वो थे जिसको सबको साथ लेके चलते थे। जो आज हम राजनीति में शब्द इस्तेमाल करते हैं
इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, उनके व्यवहार में समावेशी राजनीति थी, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति थी। ऐसी उनके बाद उनकी विरासत उनकी मुख्तलिफ पार्टी, उनकी विरोधी पार्टी कांग्रेस को गई, जिसमें अशोक गहलोत आए। उन्होंने कुछ हद तक उन्हीं परंपराओं को आगे चलाने की कोशिश की, और जब भैरव सिंह शेखावत बीमार थे तो अशोक गहलोत उन नेताओं में थे जो उनको निरंतर मिलते रहते थे, जाते रहते थे। उनके निधन पे वो सबसे ज्यादा सक्रिय होकर के उसमें दुख में शामिल हुए हैं। तो किसी का योगदान कम है, किसी का ज्यादा है। जो हमारे पहले नेता रहे हैं, जयनारायण व्यास जैसे लोग, टीकाराम पालीवाल जैसे लोग, इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी थी, ये हमारी आजादी के सेनानी थे। इन्होंने इस राजस्थान सूबे के निर्माण में बहुत योगदान रहा है। इन्होंने दुख तकलीफ उठाई है, ये जेल भी गए हैं, इन्होंने यातनाएं भी बर्दाश्त की है। इन सब ने मिलकर के एक राजस्थान में पॉलिटिकल कल्चर का निर्माण किया, जो अभी थोड़ी थोड़ी हमारे हाथों से फिसलती हुई नजर आती है। जब हम राजनीति में कटुता देखते हैं, वो कटुता दिलों तक आती हुई देखते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि राजनीति में आपके विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। पार्टी के अंदर आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं, शत्रु नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसे माहौल में आ गए राजस्थान की राजनीति में, जब आपका विरोधी है उसको लोग दुश्मन मानते हैं, तो वो परंपरा हमारे हाथ से कहीं फिसल न जाए, इसकी हमें चिंता है। दूसरी इस रियासत की खूबी है कि यहाँ दो पार्टी की हुकूमत रही है, या तीसरी पार्टी के लिए उतना अवसर राजस्थान के लोगों ने देना गवारा नहीं समझा जैसा बाकी सूबों में है। ये जो सत्ता की फेरी है, वो दो पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घूमती रही है। राजस्थान के मतदाता ने किसी तीसरे को चाबी देना स्वीकार नहीं किया है। ये यहाँ का एक इसलिए भी है कि यहाँ का जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा प्रयोग धर्मी नहीं है, बहुत परंपरावादी है। दिल्ली में जिनकी संस्था की ताकत होती है वहां से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो दिल्ली में इन दो पार्टियों की हुकूमत मुख्य तौर पर रही है। तो राजस्थान ने उस तजुर्बे, उस प्रयोग, उस एक्सपेरिमेंट को कभी मोहर नहीं लगाई है जिसमें एक तीसरी पार्टी के लिए जगह बन सके। ये भारत के जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनके लिए ये दिलचस्पी का सबब है कि आखिर सूबे में ऐसी क्या बात है कि वो तीसरी पार्टी के लिए अपने मैदान में किसी को जाजम बिछाने की अनुमति नहीं देता है। वो यहाँ के लोगों के स्वभाव में है कि वो प्रयोग बहुत मुश्किल से करते हैं और अपनी परंपराओं की गठरी को साथ लेके चलते हैं जिंदगी के सफर में। इसीलिए राजस्थान गंगा जमुना के मैदान की राजनीति से भिन्न है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आपके एक एक शब्द से ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पेशे को, अपने राज्य को, अपने जो आसपास होने वाली चीजों को कितना बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत बार, और जब आप विदेश यात्रा में गए, कोई ऐसा देश जहां आप गए हो वहां आपको लगाओ कि मुझे भारतीय होने पर गर्व होता है, या राजस्थान कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिनसे मिलकर आपको लगाओ कि यार घर जैसा, क्योंकि राजस्थान जो आतिथ्य है दुनिया भर में जानी जाती है, अतिथि तुझे भव है, पधर हमारे देश, ये स्लोगन है। लेकिन ये स्लोगन राजस्थान के हर व्यक्ति में जो यहाँ जन्मा है, जहाँ जो यहाँ पे कर्म भूमि जिन्होंने बनाई, उन्होंने भी इसको आत्मसात किया है। ऐसा कोई तजुर्बा आपको लगाओ कि आप विदेश यात्रा के दौरान कि आपको लगा कि राजस्थान से लाखों हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति जो मिलने पर भी अपनी उस समरसता को, उस अपने आतिथ्य को, उस अपने संस्कार को नहीं भूला, वो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में आपको लगता हो कि आपको आज शेयर करना चाहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब इंग्लैंड गया, लंदन में मैं घूमते घूमते वहां की पार्लियामेंट की तरफ गया, और मुझे लगा कि मुझे वहां की पार्लियामेंट को देखना चाहिए कि उनसे हमने कुछ मॉडल वेस्ट मिनिस्टर मॉडल उनसे अख्तियार किया है। मैंने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी, आगे देखा तो महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में, और उससे चंद कदम दूर चर्चिल जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मूर्ति लगी हुई थी, और चर्चिल उनको पसंद नहीं करते थे महात्मा गांधी को। तो मुझे बड़ी सुखद मन में अनुभूति हुई कि महात्मा गांधी जिसने दुनिया की उस ताकत को शिकस्त दी जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उन्होंने संसद में प्रस्ताव पास के ब्रिटिश संसद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा वहां लगाई, और उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी थी जो उनके दर्शन कर रही थी, उनको देख रही थी। उनके बगल में नेल्सन मंडेला थे जो महात्मा गांधी के पदचिन्हों को मानते हुए दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़के अपने मुल्क को आजादी दिलाई थी। और जब वहां जो लोग इकट्ठे थे उसमें काफी लोग अमेरिका के थे, काले लोग थे, और मैंने जब उनसे कहा कि आपके मुल्क के जो मार्टिन लूथर किंग थे वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे और मैं इंडिया से हूं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्यादा इज्जत दी। तो मुझे एहसास हुआ
कि महात्मा गांधी ने संसार का कोई हिस्सा नहीं है जहां अपनी हाजिरी दर्ज न कराई हो। बाद में मुझे पता लगा कि ब्रिटेन में 4-6 जगह और गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई है, स्कॉटलैंड में कुछ समय पहले प्रतिमा लगी है, मैनचेस्टर जहां मैं गया था, मेरे मैनचेस्टर में मैं 2-3 महीने वहां था, मेरे लौटने के बाद मुझे पता लगा कि मैनचेस्टर में वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर सभी धर्मों आस्थाओं अकीदत मान्यताओं के लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई, और उनकी प्रतिमा का जब अनावरण हुआ तो सब तरह के लोग थे जैसा गांधी संसार को बताना चाहते थे। मैं जहां भी गया, जैसे मैं भारत का नाम लेता तो वो दो नाम हमसे लेते थे, ओ यू आर फ्रॉम बुद्धाज लैंड, यू आर फ्रॉम गांधीज लैंड, वो दो ही नाम लेते थे कि आप गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के मुल्क से आए हो। फिर मुझे कुछ जगह रेस्टोरेंट में लोग मिले, मैंने भारत का नाम लिया तो सब ने तारीफ की और भारत की परंपराओं, उनकी सहिष्णुता की, उनकी स्पिरिचुअलिटी की, उनके लोगों के व्यवहार की, उनके आतिथ्य की बहुत बहुत सराहना की। तब मुझे लगा कि हम तमाम दुख हवाओं को भूल जाएं और हमें इस बात का अभिमान होना चाहिए कि हम उस मुल्क के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जब भारत का व्यक्ति बाहर जाता है, लोग उसको एक इंडियन सिटीजन के रूप में नहीं, उसको भारत के एक राजदूत के रूप में देखते हैं, भारत के एक संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मैं उस मुल्क में मैंने आंखें खोली थी जिस मुल्क ने संसार को अध्यात्म का पाठ पढ़ाया, जिसने अमन और मोहब्बत के संदेश भेजे, मैं उस मुल्क का वासी हूं। मैं जब मैनचेस्टर में एक ट्राम में बैठा था और मैं टिकट नहीं ले पाया, और एक जगह लिखा हुआ था कि आप पे जुर्माना लग सकता है अगर टिकट नहीं है, तो मैं घबराया काफी। मैं 2-3 लोगों के पास गया, वो कुछ मदद नहीं कर पाया। आगे कपल बैठा था, बुजुर्ग लोग थे, मैंने उनको जाके मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास बैठ जाइए, आप ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, हम आपके साथ हैं, टीटी आएगा आपको टिकट दे देगा। फिर मेरे से पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा भारत से हूँ। अच्छा भारत से हो, पति पत्नी दोनों मुस्कुराए, भारत में कहाँ से हो, मैंने कहा राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से हो, मैंने कहा जयपुर में। तो उन दोनों ने कहा कि हम जयपुर 3 दिन रुके हैं, क्या गुलाबी खूबसूरत शहर आपका, वहां की आर्ची टैग पे, और फिर मेरे से खूब बातें की, बेहद खुश हुए वो। तब मुझे और लगा कि भारत और भारत में राजस्थान होना, आप कितने खुश नसीब हो, आपके पुरखों ने कितने पुण्य किए होंगे जब आप हिंदुस्तान की सरजमी पे आपको एक नागरिक होने का दर्जा मिला है। तो ये सब चीजें मुझे अच्छा लगती थी। और जब भी किसी यात्रा में हवाई जहाज में कोई मिल गया या आपने कैब ली वहां कोई मिल गया, भारत के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ होता था। वो इंसान जानना चाहता था कि भारत कैसा है, उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, गांधी कैसे काम करते थे और गांधी की आज कितनी जरूरत है। ये सब बातें करते हुए हमें लगता था कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे कर्म किए होंगे कि हमें इस महान देश का नागरिक होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया नरेंद्र भाई साहब, आपकी जो बातें सुनता हूँ तो मैं आपको समझता हूँ आप एक राजस्थान का क्या एक मेरे हिसाब से एक एनसाइक्लोपीडिया है आप। बहुत भयंकर बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, इनका तो एक अलग शब्द हो गया। लेकिन मैंने भी एक बार देखा, आपने एक बार एक स्टोरी की थी, उसमें आपने राजस्थानी भाषा और फ्रेंच भाषा के बहुत सारे शब्दों का एक कहीं खोज करके आप लेके एक स्टोरी लाए थे। उसमें मेरे बारे बात में मेरे से भी उस बारे में कुछ बातें हुई थी। एक बार जब हमने गुर्जरों का कहाँ से आए थे गुर्जर, उसके बारे में बताया था। तो इन दोनों स्टोरी को करने में आपको कैसा लगा, और ये आपकी जो नॉलेज है अगर इसको अगर शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें हैं दोनों, और ऐसे लोगों ऐसी चीजें जब लोगों पर चलेगी तो हमारे अंदाज के कनेक्शन, राजस्थानी भाषा का फ्रांस की भाषा से संबंध, और जो गुर्जर जो आज राजस्थान में हमारी एक जनजाति है और एक अभिन्न अंग है राजस्थान का, उनके बारे में आपने जो कहानी बताई थी अगर वो भी बताएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक पत्रकार के लिए जब कोई स्टोरी करता है तो महज एक कहानी नहीं होती है, वो एक जीवन होता है जिसको आप जीते हो। और कोई आप अच्छी कहानी करते हो, अच्छी स्टोरी करते हो, जो एक कामयाब स्टोरी होती है, जो एक पैगाम देती है, तो आपके मन में लगता है कि आपने जैसे किसी मुकद्दस मकाम की जियारत की हो, जैसे आपने किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की हो। ये जो कहानी है, एक कर्नल राठौड़ है, उनका फ्रेंच भाषा पे अच्छा नॉलेज है। उन्होंने ये तहकीकात की कि फ्रांस और राजस्थान, इन दोनों भाषाओं में, फ्रेंच और राजस्थानी में,
यकायक उनको लगा कि कितने शब्द हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे पोटली, जैसे साल कमरे को कहते हैं, जैसे कुत्ते को तूतू कहते हैं, अपने राजस्थान में कुत्ते को आवाज भी जिसे हम तूतू कहते हैं, ऐसे उन्होंने कोई 300-400 शब्द ढूंढ निकाले जो फ्रेंच में और राजस्थानी में एक जैसे थे। तो मेरे लिए हैरत की बात थी कि ब्रिटेन से हमारा कनेक्शन रहा है, हमारा कनेक्शन इटली से भी रहा है, यहाँ के जो जिप्सी है बंजारे हैं वो यूरोप में कुछ जगह गए हैं, लेकिन फ्रांस से मेरे लिए नई बात थी। तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फ्रेंच पढ़ाती थी पांडे मैडम, उनके पास गया, उनसे जानकारी ली। फिर मुझे लगा कि आप चूंकि टूरिज्म को डील करते हैं तो आपको पता होगा फ्रेंच का मिजाज क्या होती है, ऐसी कनेक्टिविटी की वजह क्या है। तो आपने मुझे कहा था कि ये जो भाषा है, ये जो फ्रांस के लोग हैं, ये राजस्थान के जैसे ही लोग हैं, ये किले पसंद करते हैं, महल पसंद करते हैं, मैदान युद्ध के पसंद करते हैं, और वो ऐसा टूरिस्ट है जो 1 लाख रुपए की गाड़ी में भी आ सकता है और रोडवेज में भी यात्रा कर सकता है। तो ये कहानी करके मैंने बीबीसी में चलाई तो काफी पसंद की गई थी। और उसके बाद जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के, वो आए थे, उनका नाम था, उनका सरनेम था सरकोजी। मुझे मारवाड़ी ने कहा कि ये भी राजस्थानी है, जैसे बस आप कहीं घूम रहे हो और आप किसी कहते हो कि थोड़ा आगे बैठे तो आप कहते सरकोजी, है ना। तो इस तरह से मैंने दो भाषाओं के बीच में समीपता ढूंढने की चेष्टा की थी। और उसी कड़ी मुझे पता लगा, जैसे अंग्रेजी भाषा है वो काफी कठिन है, वो यूरोप की भाषाओं से थोड़ी भिन्न है, हमारी हिंदी में और हंगेरियन में कोई बराबरी नहीं है, कुछ साम्य नहीं है, कोई शब्द नहीं मिलते हैं। एक शब्द है कुत्ता, जो हंगेरियन में भी कुत्ता है और हिंदी में भी कुत्ता है। तो ये बात में हैरान हुआ कि कोई शब्द नहीं मिलता, ये क्यों मिला है। और कुत्ता हमारे तो पांडव के साथ भी था, युधिष्ठिर के साथ था उस जमाने में भी, तो हंगरी कैसे पहुंच गए एक शब्द, ये हमारे लिए एक तिलस्म था जिसको मैं नहीं तोड़ पाया। जो गुजर हमारे का एक बड़ा समुदाय है जिसमें हम अभिमान करते हैं, जिनका योगदान हमारे इतिहास में भी है, हमारी सेनाओं में वो हमारी सरहद पे हिफाजत करते हैं, और कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने सरहद पे काम करते हुए, वतन की रक्षा करते हुए कुर्बानी में अपना नाम दर्ज न कराया हो। कुछ अरसा पहले मैं करौली में, जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उतने नामवर नहीं थे, दुनिया उनको नहीं जानती थी, उन्होंने और डॉक्टर रूप सिंह ने एक आयोजन किया था कि जो पुराना गुजरों का नृत्य है, उस नृत्य की प्रस्तुति थी, इसमें मैं अकेला पत्रकार मेरे समझ में जयपुर से गया था। तो गुजरों के समूह थे जो कंदराओं से निकल के आए थे चंबल से, और उन्होंने मुंह से हाथों से एक ध्वनि निकालते हुए ऐसा युद्ध किया था जिसको वार क्राई कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आखिरी नुमाइश हिस्टोरिकली पेशावर में हुई थी। ये जो नृत्य है उन्होंने कंदराओं में बरकरार रखा है, उन्होंने सहेज के रखा है, वो अपने नाच के साथ साथ ऐसी उसमें आवाज निकालते थे, एक ऐसी ध्वनि से वातावरण प्रस्तुत करते थे कि शत्रु बिना हथियार के भी डर जाए। और फिर मैंने उसको कनेक्ट किया, जब गुजर आंदोलन हुआ था तो उन्होंने उसी विधा को इस्तेमाल करते हुए हमारी पुलिस को भी छकाया था, तो उसका एक ये पहलू है। लेकिन इसमें एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पहलू है कि ये कहानी करते करते मुझे पता लगा कि गुजरों का प्रभाव कितना था। तो संसार में ऐसे 100 स्थान है जिनसे वो चिन्हित हैं, एक कुछ लोग कहते हैं कि ये यहीं से, कुछ लोग कहते हैं कि चलते चलते आए हैं। तो मुझे पता लगा कि अफगानिस्तान में भी उनके कई स्थानों के नाम उन पे हैं, पाकिस्तान के उस तरफ बड़ी तादाद में गुजर है, 2-2.5 करोड़ गुजर है, उधर एक किला कराची में किला गुजर सिंह भी है, गुजरांवाला भी है, हमारा गुजरात भी है। तो ऐसे मुझे, जब आप कोई कहानी करते हो तो आप अपने इतिहास से रूबरू होते हो, समाज से रूबरू होते हो, जातियों को समझते हो, गोत्र उपजातियों को समझते हो, मजहब को समझते हो, अपनी धार्मिक मान्यताओं से आपका वास्ता पड़ता है। तो कहानी करते समय आप भी शिक्षित होते हो और समाज को भी शिक्षित करते हो। जर्नलिज्म में कहते हैं कि हमारा 3 काम है, टू इन्फॉर्म सोसाइटी, टू एजुकेट सोसाइटी, एंड 3rd टू एंटरटेन सोसाइटी। तो किसी किसी कहानी में ये तीनों एलिमेंट होते हैं, उसमें सूचना होती है, उसमें शिक्षा होती है, उसमें मनोरंजन होता है, और मनोरंजन मन का रंजन है, वो महज दिल का बहलाव नहीं है। क्या उसके जरिए भी कोई पैगाम दे सकते हैं आप, वो एक रिपोर्टर की एक खूबसूरती होती है। जैसे मैं इस कहानी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि मुझे यकायक पता लगा कि यहाँ कुछ बहुरूपिये इकट्ठे हुए हैं देश भर के, मैं उनके पास गया तो भांति भांति के बहुरूपिये थे, कोई गुजरात से था, कोई पंजाब से था,
कोई यूपी से था और सब बहुरूपियों की एक ही शिकायत थी कि राजाओं के वक्त हमारी पूछ थी, आज हमें कोई नहीं पूछता है। तो मैंने बहुरूपियों से यही सवाल किया कि हर आर्ट का एक मकसद होता है कि आप सोसाइटी को क्या पैगाम दे रहे हो, क्या आप में से किसी ने कोई पैगाम दिया। तो एक अहमदाबाद का बहुरूपिया था, उसने कहा कि देखिए साहब, मैं बहुरूपिया हूँ अहमदाबाद से, जब गुजरात में वायलेंस हुआ था तो हम बहुरूपिये थे जो हिंदू बस्ती में मुस्लिम बेस में जा सकते थे और मुस्लिम बस्ती में हिंदू बेस में जा सकते थे। तो मैंने उस कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया था कि गांधी का गुजरात जब हिंसा में धू कर जल रहा था तो मेरे मुल्क की सियासत या तो शरीक जुर्म थी या फरार थी, ये बहुरूपिये थे जो मोहब्बत का पैगाम इस बस्ती से उस बस्ती में ले जा रहे थे। और उस कहानी को मैंने खत्म ऐसे किया कि बहुरूपियों ने मंच सजाया, अपनी कला की नुमाइश की और हरेक ने दाद दी। पर हर इंसान ही पूछने लगा, अगर ये बहुरूपी हैं तो सियासत की सभा महफिल में जो मिलते हैं वो कौन है। इस तरह हमने अपनी बात बहुत बढ़िया को बयान किया। बहुत ही बढ़िया, आपकी तो बातें हैं जिनको सुने जाए, जो चलती है चलती रहे। अब आप राजस्थान पर वापस आते हैं, राजस्थान में जिस क्षेत्र में आप आते हैं शेखावती, उसको अपने आप में वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, वहां से जो जितने वीर सैनिक भारत के लिए जान न्यौछावर की है उस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र की कुछ विशेषता बताएं तो देखिए, कुछ इलाकों में भारत की भक्ति है, कुछ में शक्ति है, पर वो एक ऐसा इलाका है जो भक्ति भी है शक्ति भी है, उसमें व्यापार भी है। देश के 100 अगर उद्योगपति या व्यापार जगत की हस्तियों का आप नाम गिनेंगे तो उसमें से 70% के आसपास इस इलाके से होगा। सीकर और पिलानी के बीच में एक 80 किलोमीटर का दायरा है, भारत के अधिकांश उद्योगपति वहीं से है। हम राजस्थान उस सूबे के लोग हैं जिन्होंने संसार को जगत सेठ की कल्पना दी। ये वर्ल्ड बैंक आज बना है लेकिन पहला जगत सेठ संसार का राजस्थान से था। एक मारवाड़ी थे जो बंगाल गए थे और बंगाल के सुल्तान ने उनकी काबिलियत देख के उनको जगत सेठ की उपाधि दी थी कि ये वर्ल्ड बैंक है। और जब कोई ब्रिटिशर है उनका निजाम देखने आया तरक्की का, तो 200-250 साल पहले का कि ऐसी खुशहाली हमने कभी नहीं देखी जिन इनके यहाँ। तो हमारे बीच में जो ये इलाका है, यहाँ योद्धा है, यहाँ पे उद्यमी है, यहाँ एक किसान है, यहाँ माटी के लोग हैं, यहाँ गुलकार मिलते हैं। इसी इलाके से जो आपके गजल गायक है मेहंदी हसन है, इसी इलाके से रेशमा है। तो ऐसी विविधता, ऐसी मोहब्बत की नुमाइंदगी आपको किसी और मिट्टी में मिलना मैं नहीं समझता हूं कि मुमकिन होगा। बहुत बढ़िया साहब, कार्यक्रम का अंत आने को है, कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है, ऐसे समय में आप अपनी तरफ से समाज के लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर उससे निजात पा सकें, वापस हम खुशहाल रहें, जो ये जनता कर्फ्यू जल्दी खत्म हो, इसके बारे में कुछ करें। और आप, मुझे पता है आपको शेर व शायरी का बड़ा शौक है, तो उसको समापन से पहले कुछ 2-3 बेहतरीन से शेर व शायरी सुन दे तो इस कार्यक्रम की जो कहते हैं 4 चांद लग जाएंगे मेरे पास। मैं यही कहूंगा कि अगर हम ये कुछ सरकार पे नहीं छोड़ें और समाज भी इसमें शामिल हो तभी हम इससे पार पा सकते हैं। हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती है, नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ का कोई शहरी आम नागरिक इसमें हाथ न बटाए जिम्मेदारी से। और अगर हमने इसमें लापरवाही की तो हमारे हाथ से अवसर निकल जाएगा और आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। तो इतना ही कह सकते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला फंस जाए तो हमारे साथ आना, मिलकर हाथ बढ़ाना और हम कामयाब होंगे। मैं ऐसी मेरे मन में भरोसा और एतबार है। कुछ एक शेर और सुना दे सर, कोई बढ़िया सा, कोई 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 शेर या कोई और कई अच्छी सी कोई चीज आपको लगे कि आपको क्लोजिंग के लिए, तो और भी अच्छा लगेगा सर। अब मैं क्या कहूं, मतलब कि हम एकजुट रहे, हिंदुस्तान की ताकत को पहचाने, इसकी तहजीब का आदर करें। हमने संसार को हमेशा नेतृत्व दिया है, दुनिया ने हमसे सीखा है, लेकिन आज हमको लोग सिखाने आते हैं। तो क्या हम अपने भीतर की अपनी ताकत को पहचाने, अपने जो कुवत है अपनी मौलिकता को पहचाने, तो हम खड़ा होकर के संसार में अपनी पताका को फिर से फहरा सकते हैं। क्योंकि कहते ना कि भाई ऐसी ऐसी माटी जिसके लिए कहते हैं कि कोई बात ऐसी है हस्ती हमारी मिटती नहीं है। हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क है, ये मुख्तलिफ रहना चाहिए, ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में भांति भांति के फूल हैं,
वो सदाबहार हैं, वो रहने चाहिए। हमें मिलजुल के एक बागवां की तरह इस गुलदस्ते की, इस गुलशन की हिफाजत करनी है। इसी दुआ के साथ में आपका अभिवादन करता हूँ, मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। थैंक यू नारायण बारेटे साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और हम इस अवसर पर राजस्थान के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, शुक्रिया।